अगस्त ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। अगस्त ऋषि एक बार कहीं तीर्थ में जाने लगे और सुतीक्ष्ण जी से कहा, लाला एक काम करना, ये शालिग्राम भगवान है, श्री ठाकुर जी हैं, इनकी खूब सेवा करना, बढ़िया तिलक चंदन स्नान इत्यादि भोग लगाना। सुतीक्ष्ण ने कहा ठीक है। अगस्त ऋषि चले गए। अब एक दिन शालिग्राम भगवान को लेकर के कहीं गए सुतीक्ष्ण जी और नदी के किनारे पहुंचे। दिन में बड़ी जोर की भूख लग गई, लेकिन नदी के किनारे कुछ खाने को था नहीं। अचानक से एक पेड़ दिखाई पड़ा, जामुन का। जब इन्होंने देखा, कहा इसे लाऊं कैसे, तो मन ही मन सोचा कि क्यों न शालिग्राम भगवान इन्हीं से काम चलाया जाए। सो शालिग्राम भगवान को उठाया, लगे जामुन मारने। मारते मारते जामुन तो इकट्ठा हो गई कुछ, लेकिन अंत में भगवान शालिग्राम भगवान नदी में चले गए। जब नदी में गए तो सुतीक्ष्ण जी ने सोचा, गुरु जी को उत्तर क्या दूंगा मैं, तो उसमें से एक जो बड़ी सी जामुन थी उस जामुन को लिया और उसी में बढ़िया तिलक चंदन करके कपड़े उपड़े वस्त्र पहना के और आसन पर विराजमान कर दिया। अगस्त ऋषि आए और चेला क्या हाल चाल है, गुरुदेव आशीर्वाद है आपका, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, कहा बिल्कुल बढ़िया। अब अगस्त ऋषि जब आए और भगवान का स्पर्श करना चाहा, तो जैसे स्पर्श करे वो दबने लगे, तो ये सोचे हुआ क्या है। तब तक अचानक से उसमें से थोड़ा जोर से दबाया, बीज बाहर निकल गया। सुतीक्ष्ण जी से पूछा ये क्या है, सुतीक्ष्ण जी उत्तर देते हैं, कहते पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी, प्रभु जब देखो तब, स्नान कराना तिलक लगाना, अब वो गल गए, वो मेरी क्या गलती है। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा जिस भगवान को तुमने पानी में फेंक दिया, अब उस भगवान को तुम मेरे सामने जब लेके आना तभी मेरे सम्मुख आना। शिष्य का भगवान ने कल्याण कर दिया, श्राप में भी कल्याण हो गया और वही सुतीक्ष्ण ऋषि तभी से भगवान का नाम जपने लगे। सुतीक्ष्ण जी कहते हमने जीवन में कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं किया, तपस्या नहीं की, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ अवश्य कह सकता हूँ कि जो मेरे रघुनाथ जी के भरोसे बैठ जाता है उस पर रघुनाथ जी अवश्य कृपा करते हैं। और सुतीक्ष्ण जी छोड़ करके आश्रम चले गए और लगे भगवान की राह देखने, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान की राह देखी दिन रात, और एक दिन मेरे राम जी चले आए। भगवान राम आए, सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से आशीष मांगा, वरदान मांगा, कहा प्रभु जिस प्रकार से आप राजा के वेश में विराजमान होते हैं, धनुष बाण लिए मेरे हृदय में विराजमान हुए और सीता राम लक्ष्मण सहित तीनों विराजमान हुए। सुतीक्ष्ण जी को वरदान देकर के भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त ऋषि को भी भगवान ने दर्शन दिया, अगस्त ऋषि ने भगवान का दर्शन पाया। यहाँ पर अगस्त ऋषि भगवान को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके सुनाए और कहते हैं रघु जी का जो 31वां बाण था जिससे रावण का अंत हुआ, वो रघु जी का 31वां बाण अगस्त ऋषि ने भगवान राम को प्रदान किया। उससे पहले भगवान ने सबको विदा किया। रास्ते में अत्रिमुनि अनुसुईया मैया का आश्रम आया। अत्रिमुनि ने भगवान की वंदना की, नमामि भक्त वत्सलम कृपाल शील कोमलम, भगवान की करके वंदना की। अनुसुईया मैया माँ को भीतर ले जाकर के दिव्य आभूषण वस्त्र प्रदान करती हैं, ऐसे आभूषण ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होते, जो कभी पुराने नहीं होते, ऐसे दिव्य आभूषण प्रदान किया। कहा स्त्रियों का धर्म क्या है, एकाई धारा मा एक व्रत ने मा काया वचना मना पति पद प्रेमा। स्त्रियों का नारियों का सिर्फ एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम बताया, क्या सच्चे मन से अपने पति के चरणों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनके आदेश का पालन करना। और जो स्त्रियां ऐसा करती हैं ईमानदारी से, और आज भी जैसे माँ अनुसुईया थी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को अपने गोद में बालक बना दिया, जिनके गोद में भगवान खेलने लगे, किसके प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से। और आज भी कहते हैं अगर इस कलिकाल में भी कोई स्त्री अपने पति के सिवा
किसी पराये पुरुष का दर्शन तक ना करे, तो आज भी उस स्त्री में इतनी शक्ति है जो भगवान को सामने ला करके खड़ा कर सकती है। तो जो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है निष्ठा से, ईमानदारी से, उसे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और सिर्फ ये पत्नी के लिए ही नहीं बनाया गया है, पति महाराज लोगों के लिए भी बनाया गया है। उन्हें भी ईमानदारी से रहना चाहिए, उन्हें भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। भाई बातें तो दोनों तरफ होती हैं, हम आप लोग के साइड में। तो माँ अनुसुईया ने ये सारी बातें बताई माँ जानकी को।